गुड मॉर्निंग एवरीवन, आइए आज आपको हम खिलाते हैं करेले की भुजिया, बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी। इसके लिए आपको लेना है कढ़ाई में गरम तेल और करेला, कटे हुए प्याज। सबसे पहले आप कढ़ाई में तेल डालिए, उसमें थोड़े से पचफोरन, और तेल गरम जब पचफोरन चटकने की आवाज़ आने लगे तो उसमें कटे हुए धुले हुए करेला डाल दीजिए और चारों तरफ से मिलाइए। फिर थोड़े से हल्दी डाल के इसे प्यार से बढ़िया सा भुनते रहिए। और ये ऐसा खाना है जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सारे लोग पसंद करेंगे। ये रोटी के साथ या चावल के साथ, किसी के भी साथ आप खा सकते हैं, बहुत ही एंजॉय करेंगे आप खाते वक्त। और बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होती है इस भुजिया में। फिर इसे बड़े प्यार से चारों तरफ से मिला के इसे घुमाते रहिए। ध्यान रखिएगा कि करेला टूटे ना, हल्के हल्के हाथों से चारों तरफ से घुमा के चलाते रहिए। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल के धीरे धीरे चलाते रहिए। जब ये 50% पक जाए तब आप जो कटे हुए प्याज रखे हुए हैं उसे आप इस पर डाल के मिलाइए। फिर इसे प्याज डालने के बाद चारों तरफ से मिलाते रहिए और इसे भूनते रहिए। ये ऐसी रेसिपी है जिसमें बहुत सारी सामग्री नहीं लगती है, सारे लोग खाने में पसंद भी करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता है। और ध्यान रखिएगा, जो हमें 2 चम्मच आमचूर पाउडर इसमें डालनी है, ये जब डालना है जब आप उतारने वाले हों उनसे 2 मिनट पहले आप इसे डालिए और चारों तरफ से बढ़िया से घुमा के मिलाइए। जब आप स्टायर करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि इतनी बढ़िया क्रिस्पी, क्रंची, स्वादिष्ट आपका करेले का भुजिया तैयार हो जाएगा। फिर इसे आप उतार दीजिए और अपने बच्चों को, किसी भी वर्ग के लोग इसे खाने में पसंद करेंगे। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर वीडियो ख़राब भी लगे तब भी कमेंट कीजिए, अच्छी लगे तो भी आप कमेंट कीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हम आपके लिए नए नए तरीके का वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। Thank you for watching.